दर्शकों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसान अन्नदाता है, वह मेहनत करके मिट्टी को सोना बना देता है। आज हम आए हैं उन्हेल में ऐसे ही मेहनती और सफल किसान भैरूलाल जी से मिलने, और आइए जानते हैं भैरूलाल जी किस प्रकार से खेती करते हैं और इस समय उन्होंने कौन कौन सी फसल लगा रखी है। भैरूलाल जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो भैरूलाल जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि कितनी ज़मीन है आपके पास में। सर, मेरे पास हकत की लगभग 35 बीघा ज़मीन है और 4-5 बीघा पड़त की, मतलब 40 बीघा ज़मीन है टोटल। जी भैरूलाल जी, इस समय आपने अपने खेत में क्या उगा रखा है? इस समय सबसे अधिक मात्रा में तो मैंने गेहूँ लिया है जी। उसके अलावा जो लहसुन फसल ली है उसको ली है, और मसाला और औषधि फसलों में भी मैंने लिए कलौंजी इस साल लगाई है मैंने, गराड़ू लगाए हुआ है, हल्दी लगाई हुई है, और लाल तुअर लगाई हुई है, और अन्य तरह की छोटी मोटी सब्जियां रहती है उनको, मतलब मटर लगाई हुई है, ये सारी तरह की फसलें मैंने ली है। लगभग सभी तरह की फसलों को आप जी उगाते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं लहसुन की खेती हमको नजर आ रही है। जी जी सर। लहसुन की खेती के बारे में ही भैरूलाल जी यदि हम बात करें जी, तो इसकी शुरुआत जो होती है जी, ये कौन से महीने से हो जाती है? जैसे ही हम खेत हमारे सोयाबीन काट के खाली होते हैं, अक्टूबर में सोयाबीन काट लेते हैं, तो उसके बाद में हम खेतों की 2 से 3 बार अच्छी तरह से हकाई करते हैं, उसकी जो खेत की नमी होती है उसको सुखाते हैं। नमी को सुखाने के बाद में जब अच्छी तरह से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, उसमें हम बेसल डोज जो खाद आता है, इसमें लहसुन में खाद की अत्यधिक आवश्यकता होती है। गर्मी में तो हम जो देसी गोबर का खाद होता है वो तो डालते ही हैं, लेकिन इस अभी जब खेत की तैयारी करते हैं तब सिंगल सुपर फास्फेट 3 बोरी प्रति बीघा, और DAP 18-46 एक बोरी, और MOP पोटास 1 बोरी, और NPK 12-32-16 एक बोरी, ये सारे खाद को मिला करके, कुछ सल्फर भी आता है, ये सारी खाद को हम खेतों में अच्छी तरह से पहले एक जैसा भुरकते हैं, उसके बाद में फिर एक हकाई और करते हैं, और जब मिट्टी अच्छी तरह से भुरभुरी हो जाती है उसके बाद में फिर पाटा चला के हम इसकी जो क्यारियाँ होती है ये क्यारियाँ बनाते हैं, या तो अगर फिर भी अगर ढीले अगर रहते हैं तो फिर रोटावेटर से उसको बारीक मिट्टी को कर देते हैं, उसके बाद में फिर क्यारियाँ बनाते हैं। उसके बाद में हम लहसुन को जो अपना गांठ रहती है उसको फोड़ करके उसकी कलियाँ बनाते हैं, कलियों को ग्रेडिंग करते हैं, अगर बारीक कली रहती है उसको हम छान के अलग निकाल लेते हैं, और जो अच्छी कली रहती है जो कुछ डैमेज ना हो, टूटी फूटी ना हो, कुछ जो ख़राब कलियाँ हो जाती हैं उनको भी निकाल देते हैं, और जो शुद्ध कलियाँ जो अच्छी वाली कलियाँ रहती है उनको साफ करके फिर उनको बीजोपचार करते हैं। बीजोपचार करने के बाद में मजदूरों के माध्यम से हम खेतों में उसको क्यारियों में चोपवाते हैं, तो लगभग 1 बीघे में 1 से 1.25 क्विंटल से 1.5 क्विंटल बीज हमको लगता है, और 20 से 22 मजदूर हमको उसमें लगते हैं चोपवाने में के लिए। तो जैसा कि आपने बताया कि कलियां जो है जो आप रोपते हैं, ग्रेडिंग करते हैं जी, जी ग्रेडिंग के आधार पर लगते हैं। हाँ। अभी आप बता रहे थे कि ज़मीन में आप कुछ मशीन वगैरह का प्रयोग भी करते हैं इनको कलियां लगाने से पहले। मजदूरों की अगर कमी रहती है वो, या फिर मजदूर अगर उनकी जो मजदूरी ज़्यादा लगती है और मजदूर समय पर मिल नहीं पाते हैं, और जब बोनी करने में ज़्यादा विलंब होता है, तो फिर ऐसे माध्यम से हम मशीन और ट्रैक्टर की जो मशीन सीड ड्रिल मशीन रहती है उससे भी बुवाई करवा सकते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें बीज की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, लेकिन काम हमको जल्दी हो जाता है। उसमें बीज की मात्रा अधिक लगती है और बीज भी एक जैसा उसमें नहीं गिरता है, कहीं पर कम गिर जाता है, कहीं पर ज़्यादा गिर जाता है, और जब मजदूरों के माध्यम से हाथों से जब लहसुन को चोपते हैं तो अपने को कितनी दूरी पे लगानी है, 4 इंच पे लगानी है या 5 इंच पे या 6 इंच पे, जो भी अपने को जैसी सुविधा हो, जैसी अपना इच्छा करे ऐसी अपन उसको लगा सकते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि मशीन की अपेक्षा यदि हम मजदूरों के थ्रू यदि हाथों से लगाते हैं ये फसल ज़्यादा बेहतर, क्योंकि उसमें फिर क्वालिटी भी अच्छी निकाल सकते हैं उसमें। भैरूलाल जी, जैसा कि आपने क्वालिटी की बात कही जी, तो वहीं पे हम यदि किस्म की बात करें जी, तो जी, इस समय ये कौन सी किस्म है जो लगी हुई है जो हम देख पा रहे हैं? ये लहसुन जो देसी लहसुन है इसको
और मैं यहाँ से मेरा एक खेत और ऊपर भी है, वहाँ पे मैंने रियावन सिल्वर लगाई है, अमलेटा लहसुन भी लगाई हुई है। तो लहसुन की भी तीन चार तरह की किस्म आती है, लेकिन ये लहसुन देसी लहसुन है, तुलसी लहसुन होती है, उसमें भी अच्छी चमक अच्छी रहती है, और रियावन सिल्वर भी उसमें तो उसकी तो सफ़ेदी ही बहुत अच्छी रहती है। दोनों के बीच में यदि हम इन दो से तीन जो किस्में आपने बताई डिफरेंस की बात करें, यदि हम अंतर कहें जी, तो कौन सी किस्म जो है वो ज़्यादा बेहतर है, उसके मार्केट में दाम हमें ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं? लहसुन का ये है कि उसकी चमक अच्छी होनी चाहिए, किस्म कैसी भी हो उसकी चमक, अगर उसका पर्दा अच्छा होगा, उसकी सफ़ेदी अगर अच्छी होगी, और उसका गांठिया अगर अच्छा बड़ा वाला होगा, और उसको अपन किसान की चतुराई कैसी रहती है, वो किस तरह से सफाई करके मंडी में ले जाता है जी। उसका अच्छा पर्दा अच्छा होना चाहिए, उसकी जो जड़ें रहती है उसको चाकू और छुरी से काट के उसकी बिल्कुल सफाई करके बॉक्स में या कैरेट में भर के उसको मंडी ले जाते हैं, तो उसको देख के व्यापारी इसका ऊंचा दाम लगा के उसकी बोली लगाते हैं। यानी कि किसान भाई जो है हमारे जो हैं वो जैसा कि भैरू लाल जी ने बताया कि किसान भाई जो है उसको सीधे बोरों में भर कर मंडी की तरफ ना ले जाते हुए उसकी प्रॉपर ग्रेडिंग कर लें और फिर उसके बाद मंडी में लेके जाएं, तो उसके ज़्यादा बेहतर दाम मिल सकते हैं, अच्छा लाभ मिलता है उसे। वहीं यदि हम बात करें संक्रमण से बचाने के लिए कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, या कुछ आप कहें कि जैविक उपचार की यदि हम बात करें, तो किस प्रकार के आप उपचार करते हैं, क्या जैविक विधि आप कितनी अपनाते हैं? जैविक विधि वैसे तो जो हमारे खाद भी हम बनाते हैं, जो मेरे यहाँ देसी गाय भी मैंने पाल रखी है, तो उसका जो गौमूत्र होता है और गोबर जो होता है उसको डाल करके जैविक तरीक़े से उसको खाद में हम डालते हैं, और इस तरह से हम जैविक भी कभी कभी हर हिस्से में तो, लेकिन एक खेत है उसके में हम जैविक तरीके से उसकी खेती कर सकते हैं, सारे खेतों में तो जैविक नहीं कर पा रहे हैं अभी जी जी, लेकिन एक खेत में है वहाँ पे हम जैविक सब्जी भी लेते हैं, जैविक खाने के लिए, हमारे खाने के लिए उसमें जैविक तरीके से जैविक खाद और जैविक गौमूत्र वगैरह छाट करके हम उसको घर के लिए रखते हैं जैविक के लिए जी। भैरोला जी ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि लहसुन की फसल है जी, जैसा कि आपने बताया कि तो लगभग कितने समय में ये फसल बन के तैयार हो जाती है? सर लहसुन की फसल जो अच्छी तरह से परिपक्व और इसकी हार्वेस्टिंग जब होती है उखाड़ने की जैसी, वो लगभग 150 दिन में सूख जाती है तब उखाड़ते हैं, लगभग 135 दिन से 150 दिन मतलब 4.5 से 5 महीने में ये पूरी तरह से तैयार हो जाती है, बीज लगा करके उखाड़ने तक उसमें 4.5 से 5 महीने लगते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि लगभग 150 दिन में ये फसल बनके पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। वहीं बैरोला जी यदि हम मार्केटिंग की बात करें जी, अब इसको सेल की बात करें, तो दाम कितने मिल जाते हैं, यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ आपको कितने दाम मिल जाते हैं, या फिर आप मंडी में ले जाके इसको सेल करते हैं या बेचते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या दाम मिलते हैं? यहाँ पर जो लोकल हमारा जो गाँव छोटा गाँव है, तो यहाँ की अगर मंडी में हम ले जाएंगे तो इतना अधिक दाम नहीं मिलेगा हमको, इसलिए हम इसको सफाई करके जो बड़ी मंडियाँ जो लहसुन की मसाला मंडी है, जैसे मंदसौर हुई, नीमच हुई, जावरा हुई, पिपलिया मंडी हुई, यहाँ की मंडियों में हम इसको माल को ले जाते हैं सफाई करके, तो वहाँ पे हमको अच्छा दाम इसका मिलता है। वहीं पे जैसा कि आपने बताया कि ग्रेडिंग के आधार पे आप इनको लेके जाते हैं, इसकी हम जब उखाड़ते हैं तब तो हम इसको बोरों में भर के सुखा के जब काटते हैं तब इसमें घर में बोरों में भर के रख लेते हैं, लेकिन उसके बाद में जब बेचने की जब बारी आती है तब हम इसकी 3 से 4 क्वालिटी बनाते हैं। एक तो जो सबसे छोटा माल रहता है उसको अलग निकाल लेते हैं, बीच वाला जो माल रहता है उसको अलग कर लेते हैं, और जो बड़ा वाला अच्छा फुल गोला माल रहता है उसको अलग कर लेते हैं, और कुछ कलियां जो कुछ लहसुन ऐसी भी होती है जो कुछ ख़राब हो जाती है, जो दांतरापन जिसका हो जाता है उसकी हम अलग 4 क्वालिटी बना लेते हैं, तो जो फुल गोला माल रहता है उसका अच्छा भाव मिलता है, जैसे इस साल तो भाव अच्छा है लहसुन का, पिछले साल बहुत कम भाव था तो इस साल हमें अच्छा भाव मिल रहा है जी। तो देखा किसान भाइयों आपने कि यदि आप उसकी ग्रेडिंग करके लेके जाते हैं और आप यदि बड़ी मंडियों में आप लहसुन को सेल आउट करते हैं तो आपको वहाँ पे इसके बहुत अच्छे दाम मिल सकते हैं। दर्शकों कृषि दर्शन कार्यक्रम में समय हो गया है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ क्यों, क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है बीज से बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाना। देश के अन्नदाताओं के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2020 में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना की शुरुआत की थी, जिससे कृषि क्षेत्र को भरपूर लाभ मिल रहा है। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्री इंफ्रा फंड योजना के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों को फसल उपरांत बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इसके लिए 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। योजना के तहत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी की सुविधा प्रदान की गई है। कोई भी किसान, कृषि उद्यमी, FPO, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह, कृषि उपज मंडी समितियां इत्यादि इस योजना का लाभ लेकर गोदाम, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, कोल्ड चेन, कस्टम हायरिंग सेंटर, छंटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट इत्यादि स्थापित कर सकते हैं। साथ ही कृषि संबंधित आधुनिक तकनीकों के विकास, जैसे कि ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, ब्लॉकचेन, IoT इत्यादि के लिए भी योजना के तहत लाभ लिया जा सकता है। लोन लेने की प्रक्रिया बेहद सरल है। ऑनलाइन पोर्टल agriinfra.dac.gov.in पर लॉगिन करके आवेदन किया जा सकता है। सभी आवेदनों का तुरंत निस्तारण किया जा रहा है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। तेलंगाना राज्य के कृषि उद्यमी बाला रेड्डी विश्वाराम के स्टार्टअप द्वारा लगाए गए विभिन्न राज्यों में 25 प्रोजेक्ट्स को मात्र एक दिन के अंदर ही स्वीकृति मिल गई। ये किसानों से कृषि उपज की प्रोसेसिंग कराकर सामान को सीधा बाजार में बेच रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित हो रहे हैं। 10 स्टेट्स में हम डिस्पैच सेंटर्स को लगा रहे हैं। उसका प्रोजेक्ट कास्ट एक डिस्पैच सेंटर के लिए 5.9 करोड़ है। इसमें हम एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का स्कीम में अप्लाई किया और तुरंत उसका सारा 25 लोकेशंस का अप्रूवल मिल गया। इसी तरह केरल के देवन चंद्र शेखरन इस योजना की मदद से किसानों के लिए स्वदेशी ड्रोन तैयार कर रहे हैं। 200 से ज्यादा किसानों को हमारे बनाए ड्रोन से कम कीमत में फसल निरीक्षण, कीटनाशक स्प्रे जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। इससे उनकी आय में वृद्धि हुई है। हिमाचल प्रदेश की ढींगी देवी ने योजना की मदद से ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट स्थापित किया है, जिससे गांव के अन्य किसानों को भी लाभ हुआ है। हनुमानगढ़ की गोलूवाला निवादान ग्राम सेवा सहकारी समिति ने योजना का लाभ लेकर बूम स्प्रेयर खरीदा है। इससे लगभग एक दिन के अंदर ये 125 स्प्रे करता है और इससे समिति को 6,500 रुपए प्रतिदिन आमदन हो रही है, और इससे हमारा पैक्स परिवार पूर्णतः गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। अब तक 35,000 से अधिक स्वीकृत प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं और 27,000 करोड़ रुपए से अधिक के लोन पारित हो गए हैं।
इससे कृषि क्षेत्र में क्रांति आ रही है। इस योजना से कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है, रोजगार के नए मौके खुल रहे हैं और एग्री सप्लाई चेन में किसानों की भागीदारी बढ़ रही है। तो आप भी इस योजना का लाभ लेकर अपने और देश के विकास में भागीदार बन सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज हम हैं उन्हेल में और बातचीत कर रहे हैं सफल किसान भैरूलाल जी से। आइए जानते हैं भैरूलाल जी से कृषि संबंधी और जानकारी के बारे में। तो भैरूलाल जी, हम चाहते हैं कि कृषि संबंधी और जानकारियां आप हमारे दर्शकों को दें। बात करें यदि हम नई तकनीकों की, जी जी, पुरानी परंपरागत जो तकनीकें चली आ रही हैं खेती की, कृषि की, जी, और आज जो नई तकनीकें आ गई हैं, कितना सहमत हैं कि वो नई तकनीकें कामयाब हैं, इसके बारे में आप किसान भाइयों को क्या बताना चाहेंगे? जो हम परंपरागत जो खेती करते आ रहे हैं वो तो करते ही हैं, अभी ये तो जो विधि है ये पुरानी विधि है, लेकिन मैंने जो दूसरा जो मेरा खेत है वहाँ पे मैंने मिनी स्प्रिंकलर लगा रखे हैं और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से भी खेती कर रहा हूँ। और आजकल तो बेड को ऊंचा बना करके फिर मल्चिंग बिछा करके भी खेती कई सारे किसान भाई करते हैं। मैंने तो अभी इसका मल्चिंग नहीं ली है, लेकिन मेरा भी विचार है कि अगले साल से मैं मल्चिंग में लहसुन की खेती करूंगा। भैरूलाल जी, आप एक शब्द का उपयोग कर रहे हैं मल्चिंग, जी, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में हमें बताइए। मल्चिंग जो रहता है वो खेत पे जब बेड बिछा के फिर एक बहुत पतली सी पन्नी आती है उसको बिछा देते हैं, और लहसुन में अपने को किस तरह की कितनी दूरी पे लगानी है, 4 इंच पे कि 5 इंच पे कि 6 इंच पे, इस तरह से उसके बने बनाए छेद आते हैं और उसको बिछा के उसमें अपन को एक एक कली उसमें लगा देनी चाहिए। उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि अपने को सिंचाई ऊपर से करने की ज़रूरत नहीं होती है। अपन जब मल्चिंग बिछाते हैं उसके अंदर हम ड्रिप लगा देते हैं पतली वाली, पानी की जो नली रहती है उसको अंदर पहले ही बिछा देते हैं और उसी के माध्यम से, तो उसमें ये होता है कि अपने को खरपतवार निकालने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि खरपतवार अंदर उगता ही नहीं है, वो मल्चिंग बिछी हुई रहती है, तो जहाँ पे अपने को जो कली लगानी रहती है लहसुन की वहीं से पौधा ही बाहर आएगा सीधा, जो फसल लगानी रहती है वही आएगी, खरपतवार का इसमें नामो निशान नहीं रहता है। जी बिल्कुल। और पानी की भी कम सिंचाई देनी पड़ती है अपने को, क्योंकि ड्रिप से देते हैं और ऊपर से मल्चिंग रहती है तो नमी बनी रहती है, बार बार सूखता नहीं है, बार बार पानी देना नहीं पड़ता है, और अपने को खाद भी देना होता है तो उसमें उसी के माध्यम से, ड्रिप के माध्यम से, उसमें अपन नली के माध्यम से देते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे भैरूलाल जी कि ये जो माध्यम है, जी, ड्रिप इरिगेशन के जो माध्यम है, जो आपने मल्चिंग प्रक्रिया बताई, जी जी, तो क्या वाकई इससे इसके प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा? इसका प्रोडक्शन तो बिल्कुल असर क्यों नहीं पड़ेगा, जब उसमें खर्च अधिक आएगा और जब लाभ मिल रहा है तभी तो कंपनी वालों ने उसको बनाई है, तो बिल्कुल प्रोडक्शन में असर पड़ेगा ही। उन युवाओं को आप क्या कहेंगे, और खासकर जो नई तकनीकें अब जो आ गई हैं और युवा काफ़ी सक्षम है इन तकनीकों को समझने में, करने में, जी, तो जो हमारा जो युवा है, यूथ है, उसको आप क्या संदेश देंगे, किस प्रकार से वो खेती करे, खेती में आए, और कितना लाभ का ये व्यवसाय हमारे युवाओं के लिए रहने वाला है? आजकल तो इतनी सारी सुविधाएं हो गई हैं कि मशीनें भी कई तरह की आ गई हैं, खेत को समतल करने की मशीनें आ गई हैं, पत्थर बिनने की मशीनें आ गई हैं, समतलीकरण कैसे किया जाए, और सिंचाइयों में भी अलग अलग तरीके से स्प्रिंकलर हुआ, ड्रिप इरिगेशन हुआ, या फिर फव्वारा सिंचाई, जो आजकल तो रेन गन जो दूर तक पानी बरसा देती है, इस तरह से बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, तो मशीनों से आजकल खेती होती है, तो उनमें और कई तरह की, तो पहले तो बैलों से ही खेती होती थी और आजकल तो बहुत सारी मशीनें हैं, तो आधुनिक खेती की तरफ युवा बढ़े और उसको समझे खेती को, नौकरी तो है ही सही, और अगर वो भी बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको अगर अपने पास खेत है, व्यवस्थाएं हैं, तो उसको अपने को उसमें लगना चाहिए। बिल्कुल, युवाओं को बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए और कृषि की तरफ बढ़ना चाहिए। जी भैरूलाल जी, बात करें यदि हम महिलाओं की, जी, तो खेती में महिलाओं की क्या भागीदारी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? महिलाओं के बिना तो खेती अधूरी है समझो, निंदाई गुड़ाई से लेकर के मटर तोड़नी हो या सारे काम जो एक पुरुष खेत में करता है वो काम महिलाएं भी करती है। महिलाओं का आज की डेट में मतलब बराबर का सहयोग है महिलाओं का खेती में। बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे? पानी है, अगर पानी चलाना हो तो भी महिलाएं पानी चला देती है, खेतों में सिंचाई वगैरह करना हो,
बहुत सारी मतलब खेती में तो ये है कि बच्चों से लगा कर बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं सभी इसमें काम करते हैं खेती में। मतलब महिलाओं का जो है बिल्कुल जो आज योगदान जो महिलाएं अच्छा खेती में कंधे से कंधा मिला के काम करते कृषक के साथ काम कर रही हैं। बिल्कुल बात करें यदि हम जीवामृत की या खाद की यदि हम बात करें कितनी जरूरी है, क्या आप समझते हैं और इनसे होने वाली खेती से हमें क्या लाभ मिलेंगे? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। जो जीवामृत होता है वो अपने खेती को बहुत मुलायम बना देता है और उसके लिए तो मैंने भी इसका बनाता रहता हूँ समय समय पर। जो गाय पाल रखी है मैंने उसका गोमूत्र हम इकट्ठा करते हैं और गोमूत्र और गोबर इनको पानी के ड्रम में घोलते हैं और उसमें थोड़ा सा एक धोबा मिट्टी ऐसी जगह की होनी चाहिए जहाँ पर कभी भी रासायनिक दवाइयों का छिड़काव नहीं किया हुआ हो, सूखी भीड़ की मिट्टी हो या फिर पेड़ के बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी हो, इनको मिलाते हैं। फिर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाते हैं, 1 किलो गुड़ और 1 किलो कोई सा भी बेसन हुआ, किसी भी दाल का बेसन हुआ, ये सारा मिला करके उसको अच्छी तरह से डंडे से हम ड्रम में मिला के हिला देते हैं और उसको कम से कम 8 दिनों तक उसमें रखते हैं। 8 दिनों में वो बिल्कुल खाद बन करके तैयार हो जाता है। अब उसके बाद में फिर अपन उसमें उसको देना कैसे है, या तो हम उसको स्प्रे के माध्यम से फसल पे छिटक दो या फिर जब हम खेत में पानी चलाते हैं तो पानी के साथ साथ में उसको हम छोड़ देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो वहाँ पे अपने को फिर जो घनजीवामृत रहता है उसमें अपने को अन्य कोई खाद देने की, रासायनिक खाद देने की या रासायनिक दवाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसमें एक तो खेत बंजर होने से भी बच जाता है और बिल्कुल बहुत मुलायम हो जाता है खेत। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल भैरूलाल जी से आज हमने मुलाकात करी, हम थे उन्हेल में और भैरूलाल जी समग्र खेती करते हैं। भैरूलाल जी सबसे पहले तो हम आपका चलते चलते धन्यवाद देंगे कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने हमारे दर्शकों को ख़ासतौर पर यदि लहसुन की खेती की बात करें तो उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यदि, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं। तो दर्शकों समय हो गया है खेती की खबरों का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़ी आज की प्रमुख खबरों पर। श्री अन्न का खाद्य पोषण सुरक्षा में योगदान, देश में रबी बुआई 557 लाख हेक्टेयर के पार, मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023 की गारंटी से होगी खेती समृद्ध, पपीता लगाने का समय और पाले से बचाएं फसल। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कृषि मंत्रालय नई दिल्ली के सहयोग से गत दिनों आयोजित आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव में नवनियुक्त केंद्रीय कृषि मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि श्री अन्न किसानों, उपभोक्ताओं व पर्यावरण हेतु असंख्य लाभ प्रदान करते हैं एवं वैश्विक खाद्य पोषण सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस महोत्सव में भारत, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड व वियतनाम से आए प्रतिनिधि शामिल हुए। श्री मुंडा ने श्री अन्न के उत्पादन व खपत को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियों और बाजार नवाचारों के बारे में बताते हुए इसकी बढ़ी खपत से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, पोषण और जलवायु संबंधी लाभों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के वृहद आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मुंडा ने कहा कि हम अपने किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव को पहचाने, क्योंकि श्री अन्न सिर्फ फसलें नहीं है, वे हमारे कृषि समुदायों के लिए आशा की किरण है जो अनिश्चित जलवायु में स्थिरता प्रदान करते हैं और किसानों को अनुकूल पैदावार व सतत आय के साथ समर्थ बनाते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान श्री अन्न की खेती व वैश्विक अनुसंधान सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हमारे समर्पण का प्रतीक है। देश में रबी बुआई 557 लाख हेक्टेयर के पार। देश में अब तक 557,26,000 हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है, जबकि गत वर्ष इस अवधि में 587,33,000 हेक्टेयर में बोनी हुई थी। वहीं अब तक गेहूं की बुआई 274.36 लाख हेक्टेयर में हो गई है, जो गत वर्ष 293.02 लाख हेक्टेयर में हुई थी। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक गेहूं की बुआई 274.36 लाख हेक्टेयर में हुई, जबकि सामान्य क्षेत्र 307.32 लाख हेक्टेयर है। देश में दलहनी फसलों की अब तक 128.54 लाख हेक्टेयर में बोनी हुई है। इसमें चने की बुआई 88.48 लाख हेक्टेयर में हुई है, वहीं मसूर की बोनी 16.75 लाख हेक्टेयर में हो गई है।
मध्य प्रदेश में खेती की समृद्धि के लिए 32,000 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री सिंचाई टास्क फोर्स बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023 में सिंचाई सुविधाओं को विस्तार करते हुए खेती को आधुनिक और समृद्ध बनाने की गारंटी दोहराई गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि संकल्प पत्र प्रधानमंत्री की गारंटी है, इसके क्रियान्वयन के लिए उन्होंने सभी विभागों को 7 दिन में रोड मैप बनाकर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर एवं चंबल में माधव राव सिंधिया सिंचाई परियोजना, नरसिंहपुर रायसेन और होशंगाबाद में चिंकी बोरास बैराज परियोजना, नरसिंहपुर छिंदवाड़ा में शकर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना, छिंदवाड़ा में पेंच डायवर्शन परियोजना, सतना एवं रीवा में बहुती नहर परियोजना पूरी होने से प्रदेश का कृषि परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन में चना अनुसंधान संस्थान और डिंडौरी में श्री अन्न अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा। श्री अन्न की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से श्री अन्न उत्पादकों को 1,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति फसल सम्मान राशि दी जाएगी। पपीता वर्ष भर लगाया जा सकता है। नर्सरी प्रायः दिसंबर जनवरी या मई जून में डाली जाती है। फसल की अवधि 18 माह की होती है। आप पपीता अभी लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जातियों का चयन करें। जातियों में पूसा डेलिसियस, पूसा मजिस्ट्री, पूसा नन्हा, कुर्ग हनीड्यू, वॉशिंगटन, पंत एक इत्यादि लगा सकते हैं। एक हेक्टेयर की नर्सरी लगाने के लिए 250 से 300 ग्राम बीज पर्याप्त होते हैं। वहीं संकर किस्म के 100 ग्राम बीज की जरूरत होती है। 10x1 मीटर की 8 नर्सरी में प्राप्त पौधे एक हेक्टेयर क्षेत्र में लगाए जा सकते हैं। 30 से 35 दिन के पौधों को मुख्य खेत में लगा सकते हैं। पाले से बचाएं फसल। सर्दी के मौसम में जनवरी महीने में ठंड की लहर चलती है और रात का तापक्रम लगातार कम होता जाता है। जब तापक्रम लगातार 5 डिग्री से कम हो जाता है तो फसलों के अंदर उपस्थित पानी जम जाता है, जिससे कोशिका भित्ति फट जाती है और तरल पदार्थ बाहर की तरफ आ जाते हैं। पौधे मुरझा जाते हैं। इसे ही पाला या ठंड से जलना कहते हैं। लगातार रात का तापक्रम 3 डिग्री तक चला जाए और आसमान में बादल न रहें, सुबह सुबह हवा चल जाए, तब पाला पड़ता है। इससे बचाव के लिए पहले से सचेत रहना चाहिए। विशेष रूप से आलू, मटर, काबुली चने की फसल को बचाने के उपाय करना चाहिए। तो किसान भाइयों, खबरें खेती के में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।